एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरोहिका ब्लॉग्स। शादी पार्टी में पहनने के लिए हम अक्सर सोचते हैं कि बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज बनवाएं, यानी कि कुछ अलग हटके अपने लिए ब्लाउज स्टिच करवाएं। तो चलिए हम बात करते हैं स्टाइलिश और सिंपल सोबर ब्लाउज के बारे में। मैं बात कर रही हूँ सिंपल सोबर और एलिगेंट दिखने वाले ब्लाउज के बारे में, यानी कि अगर आप शादी पार्टी में जाना चाहते हैं तो किस तरह के ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा अलग लुक दे सकता है। सबसे पहले जो हम ब्लाउज स्टिच करवाते हैं उस पर क्या ध्यान देते हैं कि नेक पे और फिर स्लीव्स पे, यानी कि जो हमारी स्लीव्स हैं या फिर नेक है वो कुछ ऐसा बने जो कि अलग दिखे और ब्लाउज अच्छा दिखे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक की, यानी जब नेक बनवाते हैं या फिर स्लीव्स में डिजाइन देते हैं तो ये दोनों ही डिपेंड करता है फैब्रिक के ऊपर, यानी कि जिस टाइप का हमारा फैब्रिक रहता है उस पे ही हम वैसा डिजाइन स्टिच करवा सकते हैं अपने लिए। अगर हमारे पास कोई हैवी साड़ी है तो, यानी उसका रनिंग ब्लाउज आया है, वर्क हुआ है, तो वो उसी टाइप का ब्लाउज बनवा सकते हैं हम, यानी कि उसमें जो डिजाइन है उसी टाइप का डिजाइन हम स्टिच करवा लेंगे तो ही सुंदर लगेगा। अगर सिल्क की साड़ी है उसमें रनिंग ब्लाउज आया है, उसमें सिंपल सा बॉर्डर है और कुछ नहीं है, प्लेन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहते हैं सिंपल सोबर ब्लाउज बनवाना तो उसमें सिंपल सा राउंड नेक दे करके और यहाँ तक कि स्लीव्स वाले ब्लाउज बनवा सकते हैं, क्योंकि सिल्क की साड़ी है तो उसमें ज्यादा तामझाम या फिर कटापिटा हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे सिंपल से ब्लाउज तो बनवा लेंगे, लेकिन हमें उसमें स्टाइलिश भी दिखना है। कई लोग चाहते हैं कि हम स्टाइलिश भी दिखें और हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत ही सिंपल और सोबर रहे, यानी कि अच्छा दिखे और स्टाइलिश लुक भी आए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि एक राउंड नेक बनवाइए सिल्क की साड़ी के ब्लाउज के लिए और आप उसमें पीछे हुक दे सकते हैं। आप डोरी चाहते हैं, अगर बहुत बड़ा गला हो गया है, डीप नेक चाहते हैं तो डीप नेक के साथ डोरी भी लगवा सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सुंदर लगेगा। और आप उसमें राउंड नेक रखिए और नहीं तो स्लीव्स यहां तक रख सकते हैं अगर उसमें बॉर्डर दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं कि ये बॉर्डर में आप यहाँ पे पफ डलवा लीजिए कि साउथ इंडियन स्टाइल में पफ वाला यहाँ पे बॉर्डर दे करके भी सिल्क की साड़ियों में ये भी सुंदर लगता है। और नहीं तो सिंपल सा आप यहाँ तक की स्लीव्स का और राउंड नेक दे करके पीछे डोरी या फिर हुक लगवाइए तो वो बहुत ही स्टाइलिश और सुंदर लगेगा और सिंपल का सिंपल भी रह जाएगा। और हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा सा और अलग चाहिए जो कि अच्छा लगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वी नेक भी रख सकते हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो वी नेक भी रख सकते हैं, उसमें आप पीछे भी वी नेक रख लीजिए और आगे भी वी नेक रख लीजिए और उसे स्लीवलेस बनवाइए, तो इस टाइप का ब्लाउज भी बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगता है, पार्टी लुक में बहुत ही अच्छा लगता है सिल्क की साड़ी के साथ। और अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनना प्रेफर करते हैं, स्लीवलेस सबको अच्छा नहीं लगता है, तो उस चाहते हैं कि स्लीवलेस भी रहे और उसमें थोड़ा सा और भी कुछ रहे, तो इस टाइप से रफल भी लगवा सकते हैं अपने ब्लाउज में, जो कि अच्छा लुक तो देगा ही ब्लाउज का और बहुत ही ज्यादा मतलब आपको साड़ी को एनहेंस करेगा, बहुत ही अलग लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे। सिल्क की साड़ी के साथ आप बोट नेक का भी ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, उसमें पीछे आप की होल टाइप का डिजाइन बनवाएं और पीछे आप हुक दें तो अच्छा लगेगा, बोट नेक में भी सिंपल अच्छा लगता है और प्रिंसेस कट ब्लाउज अच्छा लगेगा। और सिल्क की साड़ी में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल सोबर लुक ही अच्छा लगता है, मतलब कि आप जैसा भी ब्लाउज अपने लिए स्टिच करवा रहे हैं वो जो साड़ी के साथ आया है तो मिक्स एंड मैच होता है तो वो वैसे ही अच्छा लगता है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कॉलर बनवा सकते हैं, जो कॉलर है वो इस टाइप से कॉलर रख सकते हैं जो कि अच्छा लुक देगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और अलग बिल्कुल ही मॉडर्न लुक चाहते हैं तो उसमें आप टर्टल नेक बनवा सकते हैं, टर्टल नेक भी बहुत ही आजकल ट्रेंड में है। नहीं तो फिर आप चाहते हैं कि और भी कुछ अलग करना तो उसको जीरो नेक भी रख सकते हैं, जिसमें अच्छा लगे पीछे से बहुत सारा हुक दे दीजिए और यहाँ पे जीरो नेक लगवा दीजिए, यानी कि जीरो नेक बनवा दीजिए तो वो भी अच्छा लगता है। तो शादी पार्टी में इस टाइप के ब्लाउज अच्छे लगते हैं, बस ये है कि आपकी नेक लाइन का ध्यान रखना पड़ता है, जिनकी गर्दन लंबी होती है उस पे जीरो नेक या फिर ये जो आप टर्टल वाले ब्लाउज बनवाते हैं वो उन पे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर नेक छोटी है, मतलब गर्दन छोटी है और इस टाइप का ब्लाउज स्टिच करवा लेंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं देगा, क्योंकि हम थोड़े से छोटे छोटे से लगेंगे, गर्दन इसमें मिक्स हो जाएगी तो ये पता नहीं चल पाएगा हमारे जो नेक लाइन है। तो इसलिए आप उस टाइम में ध्यान दे सकते हैं कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, तो उस वाले डिजाइन को आप अपने ब्लाउज में स्टिच करवाएं।
कॉलर नेक में भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कॉलर नेक में भी बहुत सारे कॉलर्स के डिजाइन आते हैं, जो कि आपके ऊपर जो डिजाइन सूट करे वो वाला डिजाइन ही आप अपने लिए स्टिच करवाएं टेलर से। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि कौन सा डिजाइन आपके ऊपर अच्छा लगेगा, यानी कि देखिए इस टाइप का है ये कॉलर नेक और ये दूसरा वाला, ये वाला देखिए आपका कॉलर नेक, तो इन दोनों में ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि कौन सा नेक लाइन, यानी कि कौन सा डिजाइन हमारे नेक लाइन पे अच्छा लगे। हमने नेक की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कि अगर हमें स्लीव्स बनवानी है तो स्लीव्स में डिजाइन अच्छे लगते हैं तो आप उसमें या तो पफ स्लीव्स बनवा सकते हैं। अगर पफ स्लीव बनवा रहे हैं तो बॉर्डर नीचे लगवाएं, यहां तक पफ स्लीव बनवाएं तो वो भी सिल्क की साड़ी में अच्छे लगते हैं। और अगर आप जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी के साथ स्लीव्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या कुछ अलग लुक दिखाना चाहते हैं तो बैलून स्लीव्स भी अच्छे लगते हैं, जो कि आपको बहुत ही सुंदर लुक देगा और न्यू भी देगा। सिंपल सा लुक चाहते हैं तो यहां तक आप एल्बो लेंथ तक की साड़ी के साथ आप ब्लाउज स्टिच करवाइए, अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ बॉर्डर दे करके यहाँ पे पफ बनवाते हैं तो उसमें कुछ ये डोरी वाला टसल्स वाला ये वाला डिजाइन ट्राई करके देखिए, ये यकीन मानिए कि बहुत ही सुंदर लगने वाला है, ये कुछ नया है। अगर आप नेट की साड़ी पहन रहे हैं और उसके साथ ब्लाउज स्टिच करवाना चाहते हैं तो इस टाइप का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, सैटन का ब्लाउज, सैटन सिल्क में फैब्रिक लीजिए और इस टाइप का ब्लाउज स्टिच करवाइए, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप फुल स्लीव्स रखिए और इस टाइप से ब्लाउज अपने लिए स्टिच करवाइए, अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं और नेट की साड़ी के साथ नेट का ही फैब्रिक आया है तो आप इस तरह से हाई नेक भी अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं, जो कि हाई नेक बहुत ही अच्छा लगेगा, हाई नेक ब्लाउज इस वाले डिजाइन में तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप डोरी वाले ब्लाउज भी स्टिच करवाना चाहते हैं तो स्टिच करवा सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन दे करके, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा झंझट नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल और सोबर लुक तो लगेगा ही, बहुत ही एलिगेंट भी लगेगा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लुक के लिए आप इस टाइप का ब्लाउज अपने लिए जरूर स्टिच करवाएं। या कुछ बटन्स देना तो उसमें आप फैब्रिक के बटन्स भी लगा करके ऐड करवा सकते हैं अपने ब्लाउज में, जो कि अच्छे लगते हैं। अगर आप ब्रॉकेट के ब्लाउज बनवाना चाहते हैं तो उसमें आप बोट नेक रखें या फिर टर्टल नेक रखें या फिर वी नेक रखें या फिर सिंपल सा आप जीरो नेक रख सकते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो मैंने आज शेयर किया आप लोगों से ऐसे ब्लाउज जो कि बहुत ही सुंदर और सोबर लुक देते हैं पार्टी वेयर के लिए। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।